हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और ये मैं आई थी थोड़ा सा छत पे कपड़े वगैरह सुखाने। और छत पे जब आती हूँ तो मैं प्लांट्स को अपने पानी वगैरह दे देती हूँ, तो कभी कभी नहीं आती हूँ ना तो पानी नहीं दे पाती हूँ और ना पौधे थोड़ा सा मुरझा जाते हैं क्योंकि धूप भी अभी बहुत होती है ना। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे प्लांट्स थोड़े थोड़े से मतलब पानी के वजह से थोड़ा मुरझा रहे थे, तो मैं अभी पानी दे दूँगी इनको अच्छे से, तो ये फिर से ना अच्छे खिल जाते हैं। फिर तो मैं ना मेरे प्लांट्स में ना पता नहीं कैसे तो बहुत सारे तुलसी के पौधे उग गए हैं, तो मैंने तो ऐसे ट्रीम कर दी थी, पर उनका क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब उनके वजह से ना जो मेन प्लांट्स रहते हैं ना तो वो ग्रो नहीं हो पाते। ये देखिए, ऐसे ही सारे गमलों में मेरे तुलसी के पौधे ऑटोमेटिकली हो गए हैं। और ये मेरा जो जेड प्लांट है, देखिए पत्ते इसके कितने छोटे छोटे हो रहे हैं, क्योंकि तुलसी का पौधा उनका जितना भी खाद होती है सब सोख कर लेता है। मेरे हर गमले में तुलसी का पौधा उग चुके हैं, पता नहीं कैसे उगे हैं मुझे तो पता नहीं है। इसलिए मैंने आज क्या करी थी, थोड़ा थोड़ा सा ना ट्रिम कर दी थी, बट करना चाहिए कि नहीं वो मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता हो तो बताइएगा। तो ऊपर से मैं आ गई थी ना, तो आज थोड़ा सा टाइम बचा था, तो शाम को ना रोज रोज हम लोग ना प्रॉपर ना स्नैक्स नहीं बना पाते। जैसे ऋषभ भी आता है स्कूल से तो उसको भूख लग जाती है, तो एक्चुअली वो तो खा लेता है दाल चावल आने के बाद, फिर उसके बाद बच्चों को रहता है ना कुछ मंचिंग वगैरह करने की, तो हम रोज़ रोज़ तो नाश्ता वगैरह कुछ बना नहीं सकते शाम का। तो मैं ना ऐसा ही कुछ मंचिंग के लिए ऐसे कुछ बना के रख लेती हूँ। जैसे अभी बना रही हूँ मैं मखाने, तो इसको फॉक्स नॉट भी बोलते हैं और ये बहुत हेल्दी रहती है, ये तो सबको पता होगा। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा घी लेती हूँ और घी में इनको अच्छे से ना रोस्ट कर लेती हूँ, तो ये क्या होता है, ये बहुत क्रंची बन जाता है। फिर तो ये क्रंची बन जाता है और ये ठंडा होने के बाद मैं डब्बे में रख लेती हूँ, तो बढ़िया स्नैक्स हो जाती है। अगर छोटी मोटी भूख हुई कि या फिर क्रेविंग हुआ कुछ मंचिंग करने का, तो ये बहुत अच्छा एक स्नैक बन के तैयार हो जाती है। और हाँ, हस्बैंड भी जब ऑफिस से आते हैं तो एक मुट्ठी खा लेते हैं, तो थोड़ा बहुत फीलिंग हो जाती है और ये बहुत हेल्दी होते हैं। एक्चुअली बोलते हैं कि ये जो कमल का फूल रहती है ना उसका कुछ कुछ होता है, ये कमल के प्लांट से ही कुछ बनता है, ये बनता है ये वाला जो मखाने, पर तो आइडिया नहीं है बट बोलते हैं ये वही उसी का सीड्स वगैरह कुछ है। तो मैं इसको भी भून लेती हूँ थोड़ा सा नमक डाल के, और थोड़े से फली दाने भी वैसे ही नमक डाल के थोड़ा सा सौते कर लेती हूँ क्रंच आने तक के। तो इन दोनों को मिक्स करके एक डब्बे में रख लेती हूँ, तो ये बहुत अच्छा हेल्दी बन जाती है। और मैं इसमें थोड़े से एलमंड्स भी डाल देती हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी मतलब डाल सकते हैं नट्स, जैसे मेलन सीड्स हो गए, कोई सीड्स हो गया, अलसी के बीज हो गए, तो ये सब डाल के ना एक बढ़िया सा डब्बा में रख लेंगे ना तो ये बहुत अच्छा मंचिंग के लिए हो जाती है और ये बहुत हेल्दी होता है हेल्थ के लिए। तो फिर ना मेरे कढ़ाई में थोड़ा सा वही घी थोड़ा सा बच गया था, तो मैं बोली थोड़ा सा मैं ये पोहा भी फ्राई करके रख लूँगी, ये भी रहता है ना तो कभी जब भी कभी भूख लगे तो हमको भी ऐसा होता है ना ठंडियों में थोड़ा सा शाम को थोड़ा ऐसी क्रेविंग होती है कुछ भी मुंह में डालने का, तो ऐसा कुछ बना के रख दो तो कोई टेंशन ही नहीं होती फिर सोचने की कि क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। तो यहाँ पे मेरा हो गया था ये, और ना इसके ऊपर आप कस्टमाइज अपने तरीके से कर सकते हैं, चाट मसाला डाल के, और ड्राई जो पुदीना रहती है उसको भी थोड़ा सा मिंट लीव्स को क्रश करके इसके ऊपर डाल सकते हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा और अच्छा टेस्ट देता है।
तो मैं ऐसी ना यही जो खाली डब्बों में भर के रख देती हूँ, जब भी ख़त्म होता है मैं और भर के रख देती हूँ मेरे घर में, इसलिए मखाने बहुत सारे आते रहते हैं और मैं ऐसे ही इसको करके रख देती हूँ, तो मेरे को ज़्यादा फिर टेंशन नहीं रहती कोई स्नैक्स वगैरह की। तो ये भी मेरा पोहा अच्छे से भून चुका था, ये पोहा भी बहुत क्रंची लगती है और इसको हम खा सकते हैं शाम के टाइम पे। तो यहाँ शाम हो गई थी तो ये ऋषभ पढ़ाई कर रहा है अपना। पढ़ाई हो रही है, क्या पढ़ रहे हो? टेस्ट टेस्ट कब है? 3 दिन बाद है, फ्राइडे को। पर ये तो क्लास टेस्ट है ना? ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ है सरप्राइज? नहीं पता क्या हो सकता है। ये क्यों? मैं ही चलता। नहीं, यार रुको, मैं ला रही हूँ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, मैं ला रही हूँ। सरप्राइज 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 सरप्राइज, कहाँ गया ये? इधर आओ, ये देखो क्या है। हेलो, क्या है? तो यहाँ पे मैंने ना पिज़्ज़ा लाई थी, मंगाई थी ऐसे। एक्चुअली क्या है कि ये ऑफ़र में था, मतलब एक के साथ एक वैसा कॉम्बो पैक जैसा, तो मैंने इसीलिए मंगा ली थी। ये पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा था, तो मैंने सोची चलो आज थोड़ा सा पिज़्ज़ा खाया जाए। तो 2 पिज़्ज़ा मंगाई थी, और ऋषभ तो वैसे भी वेजीज तो खाता नहीं है, वो सब ना उसके ऊपर का निकाल देता है, साइड में रख देता है और फिर खाता है। तो इसीलिए मैंने उसके लिए प्लेन जो क्लासिक कॉर्न वाला रहता है वो वाला मंगाई थी, और दूसरा मंगाई थी मैंने अपना कैप्सिकम और कॉर्न, वो दोनों मंगाई थी। तो वो वाला खाएगा, वो प्लेन वाला खाएगा, क्लासिक कॉर्न वाला उसको बहुत पसंद है और हमेशा वो वही खाता है, वही मंगाता है, क्योंकि वेजीज तो उसको बिल्कुल नहीं पसंद, चाहे पिज़्ज़ा हो या बर्गर हो, निकाल के रख देता है। तो ये ना मेरा ओवन था, ये मैंने ऊपर रखी थी, तो आज मैंने निकाली थी उसको। मैं बोली चलो यूज़ करते हैं, वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा वैसे ही पड़ा रहा है ना, तो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, तो थोड़ा बहुत तो उसको ना कभी कभी यूज़ करना चाहिए। तो ये देखिए वो उसके ऊपर अपना कस्टमाइज़ कर रहा है, जो जो उसको पसंद है, चिली फ्लेक्स और ओरिगानो उसमें देते हैं, पता नहीं इस बार क्यों केचप नहीं दिए हैं, नहीं तो केचप भी इसके साथ ही आता है। तो हम दोनों एक खा लेंगे, और उसको मैंने एक पूरा दे दी थी, हस्बैंड और मैं दो दो खा लेंगे, 2 पीस। और इसके ये खाने के बाद ना मैं खाना नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर इतना फीलिंग हो जाती है ना, उसके बाद मैं खाना स्किप कर देती हूँ। हाँ, अगर होगा तो रात को थोड़ा दूध पी लेती हूँ और बस। तो हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं पिज़्ज़ा, और ऋषभ ना अपने पिज़्ज़ा से एक पीस मेरे को दे दिया और मेरे पिज़्ज़ा से एक पीस ले लिया, ताकि वो टेस्ट कर सके। तो ऐसा ही करता है वो। पूरा डालू यार, ज्यादा
और ये ऋषभ का देखो बच गया है, इतना दो नहीं खा पाता है वो ज़्यादा, ये रात को खाएगा। चाय वगैरह हो गई थी, नहीं देखते हैं शाम में क्या खाना वाला। चलो तुम पढ़ो अभी होमवर्क करो। ये क्या था? ये फोल्ड कर दो तुम। फोल्ड कर दो अच्छे से। देखना उसका ना ऐसा होगा। हाँ मैं कर देता, देख एक मिनट लगता है, देख देख क्या दे दे पापा को, दे दे पापा। अरे तोड़ देगा। हाँ हो गया हो गया, थोड़ा सा हाँ बस हो गया और क्या। चलो तुम अपनी पढ़ाई शुरू करो। हो गया नाश्ता वास्ता। स्टोरेज रख सकते बस, इसे थोड़ा सा ऐसा फ्लैट कर देना है, इसके अंदर यहाँ पे आलू जो चल रही है। परसों टेस्ट है, जल्दी पढ़ाई करो करके मस्त ले जा। तो गाइस यहीं तक था आज का मेरा ब्लॉग, और ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक और कमेंट्स कर दीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपके साथ और एक नई वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।